स्वीटी, आपको एक सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच सर। लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली कि आपने पहली अटेम्प्ट में आपने बिहार सिविल सर्विसेज एग्जाम से जिसको बीपीएससी 64th एग्जाम बोलते हैं इसमें 144 रैंक ले लिया आपने और साथ के साथ में आपको डीएसपी बनने जा रही है, राइट। तो आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और जैसा आप जानती होंगी ये प्रोग्राम जो सक्सेस स्पीक्स है पहले लगातार दूरदर्शन में आता रहा, आजकल जब से लॉकडाउन का माहौल है उसमें से ये यूट्यूब के ऊपर एक प्रोग्राम होगा और मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप जो है आईएएस पे भी टॉप करके मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर बैठेंगे, ठीक है। शुभकामनाएं मेरी बिगिनिंग में। स्वीटी ये जर्नी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है और बहुत लोगों को कई साल लग जाते हैं, काफी समय लगता है लोगों को कि हम बीपीएससी में जाए आईएएस में जाए। तो क्या आपने तैयारी सीधे बीपीएससी की थी या फिर आईएएस की तैयारी की और आप इस बीच में बीपीएससी एग्जाम दिए, तो आपकी शुरुआत जर्नी हुई कैसे आपकी? सर मैंने बीपीएससी के लिए ही तैयारी की थी और जिसके लिए मैंने चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच ज्वाइन किया 2019 में। वहां से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मिला मेंस आंसर राइट, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है वो बुक पढ़ के निकल सकता है बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेंस में काफी अच्छा करना पड़ेगा। तो चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच से मैंने काफी वहाँ के टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे क्लासेस के बाद भी हेल्प करा अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने में। दे इवन टोल्ड मी कि आपको ब्लैंक पेपर में आंसर लिखना है, रोलिंग में नहीं, जो कि मुझे ये भी तक नहीं पता था कि रोलिंग पेपर में आंसर नहीं लिखना है। और वहां के बाद मुझे फाउंडेशन कोर्स में था, मैंने एडमिशन लिया, एक मेरा फाउंडेशन बेस बनता गया एंड जो कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। सो टोटली थैंक्स टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना ब्रांच। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा कि बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं कॉम्प्लीमेंट जो सुन रहा हूँ पटना ब्रांच के लिए, इसलिए पटना ब्रांच के लोगों की जो मेहनत है मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने आप पर मेहनत किया और आप पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी में निकल आई और आपकी मंजिल अल्टीमेटली आईएएस में जाना। अभी तो डीएसपी बन रही है, आगे आपको आईएएस बन करके आईएएस में जाना है या फिर आईपीएस में जाना है, क्या प्लान होगा आगे आपका? सर मुझे आईपीएस नहीं जाना है। अरे वाह बहुत अच्छा, तो आप अभी डीएसपी की ट्रेनिंग भी काम आएगी, आगे आप बढ़ेंगे और फिर आईपीएस में जाएंगी, तो आपके बिल्कुल इरादे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा आपकी फैमिली के बारे में करना चाहेंगे, आप रहने वाले कहाँ की हैं, फैमिली में कौन है, ताकि उन फैमिली का भी बड़ा रोल होता है, तो थोड़ा जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको एक क्लियरिटी आए और आपसे कनेक्ट कर सके, तो जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ एंड वहां से ही मैंने अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन सारी स्कूलिंग और कॉलेज मैंने भागलपुर से ही कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक सीनियर इंस्पेक्टर के पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है, मेरे एक एल्डर ब्रदर है जो एक एसडीओ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, अभी गोपालगंज में पोस्टेड है। मेरे दो छोटे भाई बहन है, मेरी बहन एमबीए कर रही है और मेरा भाई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। और मुझे बीपीएससी करने के लिए दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज माय पेरेंट्स एंड माय एल्डर ब्रदर। उन्होंने काफी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया एंड काफी सपोर्ट किया, उनके बलबूते पे ही यहाँ तक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक हासिल की। सो टोटल क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स सपोर्ट एंड माय एल्डर ब्रदर हु पुश्ड मी थ्रू अ लॉट। ये बड़ा सराहनीय है स्वीटी की आपने जो है कि सबसे पहले तो आई गिव ए कॉम्प्लीमेंट योर फैमिली और आपके फादर मदर को कि एक लगता है अच्छा एजुकेशन के एटमॉस्फेयर आप सारे बच्चों को उन्होंने दिया ताकि आप सबके सब अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और आईबी में रह कर करके एक बड़ा डिसिप्लिन लाइफ नेचुरली उन्होंने आपके लिए समय निकाला, तो दैट्स रियली कॉम्प्लीमेंट फॉर यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली ऑन टुगेदर। अभी क्या है कि नॉर्मली को कई कई साल लग जाते हैं, तो अभी आपने कहा चलो आपने चाणक्य में एक फॉर्मल कोचिंग पटना सेंटर में ज्वाइन किया, एक आपकी वहां से सारी चीजें आई, लेकिन एक होता है कि कहीं से एक सीड आना, तो आपने बताया कि कैसे इसको आगे बढ़ना है, तो आपके ब्रदर और आपके फादर ने इस चीज को आगे इनकरेज किया, राइट। बट होता क्या है कई लोगों को कई कई साल लग जाते हैं, लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि कभी कोई प्री क्वालिफाई कर रहा है, कोई मेंस इंटरव्यू, आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2019 में कोचिंग ली चाणक्य पटना सेंटर में और आज उसी साल आगे एग्जाम दे के अभी 2021 में मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप डीएसपी बन चुके हैं, तो ये क्या अपने अनुभव से बताइए कि आखिर ये सब क्या कारण है कि लोग कई साल में उलझ जाते हैं
और आपने ऐसा क्या किया कि पहले अटेम्प्ट में मिल गया, तो आपको कुछ तो क्लियरिटी है जो आप शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आई विल से कि डिसिप्लिन का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिन। सबसे पहले ये मन में ठानना पड़ेगा कि हम ये चीज कर सकते हैं। बहुतों को देख के लगता है इतने लोग इतने बड़े हो गए और वो एग्जाम दे रहे हैं, साथ में हम भी दे रहे हैं जिनका अभी एक्सपीरियंस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये सबसे पहले हमें अपने अंदर ये ठानना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो हम ये चीज कर सकते हैं। अगर वो चीज क्लियर है अपने अंदर तो डेफिनेटली गो फॉर इट। दूसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, इसलिए अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में रखना जरूरी है। टाइम स्लाइस, टाइम को अपने अंदर रखना है कि टाइम पे सब कुछ करना है, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टाइम के अकॉर्डिंग सोना है और टाइम के अकॉर्डिंग सारा कुछ रूटीन मेंटेन करना है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे में ही हमें अपना पढ़ाई भी करना है, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज भी कम्प्लीट करना है। तो ये दोनों चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड इज पेशेंस। दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, तो यू हैव टू बी पेशेंट। अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा कि नहीं, देयर इज यू कैन नॉट लूज होप। आपका जरूर अच्छा होगा, अगर आपने 100% दिया है तो डेफिनेटली यू विल क्लियर इट। सेकेंड इज पेशेंस, परसिवियरेंस, ये सारा चीज, डिटर्मिनेशन, फैमिली सपोर्ट, कुछ भी हो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है आसपास, नो नेगेटिविटी अराउंड योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर इट इन द प्रोसेस। स्वीटी आपने बहुत ही कुछ पावरफुल वर्ड्स के इस्तेमाल किए हैं। नेचुरली सुनते तो सब लोग हैं कि इनके आपके दिमाग में ये सारे वर्ड आए। सबसे पहले आपने एक वर्ड यूज किया कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने टाइम मैनेजमेंट की भी बात करी, फिर आपने जो है पेशेंस की बात करी, परसिवियरेंस की बात करी, ठीक है ना, कि आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। तो ये सारे चीजों पे आधार पे थोड़ा सा जो आप लोग फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं उनके लिए हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने कहा डिसिप्लिन, ये जो बड़ा ही कहते हैं जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस है, है ना, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है ना, और इस तरह की जो वर्ड्स हैं जो मायने रखते हैं अपने में, डिटर्मिनेशन है। तो आपने एक बहुत पावरफुल किया डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट लाइफ में खास करके आपके एज ग्रुप में ये कैसे आपने मेंटेन किया, जो जो आप डिसिप्लिन कह रही कि मेरा ये डिसिप्लिन था, जरा संक्षेप में इसको बताइए। सर जब मैंने चाणक्य में एडमिशन लिया तो आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट इन पटना ब्रांच, तो वहाँ पे रेगुलर क्लासेस भी होते थे, उसके साथ साथ मुझे अपने मेंस की भी प्रिपरेशन करनी और साथ में मुझे अपना ऑप्शनल भी देखना था। और ऑप्शनल तो मैंने अपना प्रॉपर रूटीन बनाया कि ऑप्शनल के जैसे दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। मैंने ये देख सोचा कि पेपर वन हम सुबह में पढ़ लेते हैं, पेपर टू हम शाम में पढ़ लेते हैं। एंड आफ्टर मीन वाइज चाणक्य से आने के बाद जितना भी टाइम बचता है अपना आंसर राइटिंग करना है, जितने भी टीचर्स वहाँ पे मुझे उन्होंने मुझे रेक्टिफाई करा है उस पर काम करना है। बहुत मेहनत करते करते कभी कभी दिन में 7 घंटे पढ़ने, 8 घंटे, अगर एग्जाम नजदीक होते हैं तो 12 घंटे भी पढ़ने पड़ जाते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है इन खास करके फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, कि ये जो मेहनत है बस कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, एंड उसके बाद वी विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर है। तो ये सब चीज आपको एक डिसिप्लिन वे के तरफ लेकर जाएगा कि अगर आप डिसिप्लिन अभी है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो आगे जाकर के आपको ये सब चीज एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। तो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी अच्छे से डिसिप्लिन रखा है कि टाइम को हमेशा वैल्यू करना सीखो, तभी टाइम आपकी वैल्यू करेगा। मतलब है कि स्वीटी डायरेक्ट रिलेशन एक टाइम मैनेजमेंट के साथ है, कि जो डिसिप्लिन है उसमें कि आपको एक अनुशासन में रहना उसका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट ये निकल के आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास सबके पास आपने थोड़ी देर पहले कहा 24 आवर्स ही हैं, 7 डेज ए वीक है, 365 डेज इन ईयर होगा, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हो। किसी के पास समय बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, कोई इसका यूज ही नहीं कर पाता और कोई यूज करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अभी आपने अलग अलग समय में अलग अलग बात करी, आपने कहा कि आई एम टॉकिंग वर्ड, अलग का मतलब है टाइमिंग, टाइमिंग की आपने कहा कभी आपने 4 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे भी आपने पढ़ाई की और कोचिंग के क्लासेस के साथ भी बैलेंस करते हुए किया। तो जरा अपनी एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट को उसको भी जरा ब्रीफ में बता दीजिए कि जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी, क्लास शुरू किया, तो ये जो सफर था आपका लगभग 1 साल का, उसमें अपनी रूटीन कैसे मैनेज किया करती थी आप। ओके सर, मेरे कोचिंग का टाइम सुबह के 9:30 के आसपास होता था, 10 बजे से नॉर्मली क्लास स्टार्ट हो जाता था, तो प्रॉपरली 9:30 बजे तक क्लास पहुंचना रहता था। तो सुबह आई यूज टू वेक अप एट 6:00 मॉर्निंग। आई एम अर्ली वेक अप पर्सन, मुझे सुबह जब
उतना जल्दी पसंद है, लेट नाइट तक मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकती। वो एग्जाम के टाइम प्रेशर में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बट मुझे सुबह उठना जल्दी पसंद है। तो सुबह 6 बजे उठ के आई यूज टू स्टडी सोशियोलॉजी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था प्रीलिम्स के पहले। चाणक्य ज्वाइन करने के बाद ही मैंने सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा। सुबह 6 बजे से लेकर के आई यूज टू स्टडी 8:30, 2.5 घंटे आई यूज टू स्टडी सोशियोलॉजी। उसके बाद चाणक्य में जितना पढ़ाई हुआ थोड़ा रिविजन करने के बाद आई यूज टू गो टू चाणक्य। वहां से आने के बाद अराउंड 2 o'clock आई यूज टू रिटर्न फ्रॉम चाणक्य। उसके बाद लंच करने के बाद आई यूज टू टेक अ शॉर्ट नैप, एक पावर नैप लेने के बाद आई यूज टू गो फॉर बेड। कितने समय का था आपने पावर नैप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने समय के लिए? 1 to 1.5 hours, 1 to 1.5 hours। हाँ, उसके बाद 4 to 4:30 PM आई यूज टू वेक अप। उसके बाद जितने भी मेरे जनरल स्टडीज के पेपर है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ वो भी चाणक्य के नोट्स पेपर। जैसे चाणक्य में मैंने जब ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुआ, फिर ज्योग्राफी हुआ, और वो सारा काफी रिलेवेंट होता था बिहार पर्सपेक्टिव से। मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें बिहार का रोल काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो सारा आई यूज टू राइट इट एंड यूज टू लर्न। और मेरी एक अच्छी आदत ये है, आई डोंट रीड, आई राइट इट एंड देन आई रीड इट। मुझे लिखना पसंद है एंड उसके बाद आई यूज टू राइट इट। चाहे आप पढ़ लो तो मे भी वो दिमाग में रहे ना रहे, 5% ही रहता है 1-2 दिन के बाद, लेकिन अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में अराउंड 50-60% वो रहता है। तो आई यूज टू राइट इट एंड देन आई यूज टू रीड इट। तो वो नोट्स जीएस मैंने पढ़ा, जीएस पढ़ने के बाद 2-3 घंटे जीएस पढ़ती थी। जीएस में या तो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ऑल्टरनेट डेज पे ऑल्टरनेट सब्जेक्ट। एंड फिर रात में ऐसा होता था 10 बजे के बाद आई स्विच टू सोशियोलॉजी पेपर 2, फिर पेपर 2 भी कवर करना रहता था, क्योंकि दोनों ही पेपर के सिलेबस काफी लेंदी होते थे। तो अराउंड 1 to 1:30 AM एट नाइट आई यूज टू स्लीप एंड फिर सुबह 6 बजे उठना है। दिस वॉज द एंटायर डे जो कि जिसको मैनेज करना रहता है। इसको देखो कि बहुत सारे लोग इस तरह के रूटीन तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से इंट्रैक्शन होता है जब उसे वेबिनार सेमिनार में पूछ रहे होते हैं सर रूटीन बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन चेंज हो जाता है। तो आपको अनुभव से क्या लगता है कि क्यों नहीं कंटेंट करते, क्या कुछ इरादे की कमी रह जाती है उनके मन में, या कुछ एक्सक्यूज देने की आदत पड़ जाती है, क्या कारण है आपके हिसाब से? एक्चुअली सर बहुतों को लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा, जबकि सर मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन तो खुद अंदर से होना चाहिए, खुद अंदर से आना चाहिए कि ये एग्जाम निकालना है, ये एग्जाम मुझे अपने लिए निकालना है, और ये एग्जाम निकालना है तो ये मोटिवेशन खुद अंदर से आना चाहिए। मेरे हिसाब से वो टेम्पररी होता है, लेकिन अगर वो आपके अंदर से आ रहा है तो वो आपका हमेशा परमानेंट रहेगा। और दिमाग में ये चीज अपने आस पास एक पॉजिटिव एम्बियंस बनाना बहुत जरूरी है कि अगर I am in the exam, then I will come out with good rank and good result out of the exam. अगर हम इस चीज के अंदर जा रहे हैं तो वापस जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव करके। अभी आपने स्विच आपने की एम्बियंस की बात करी, इसका मतलब है जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ जो एनवायरमेंट है या कुछ लोग जिनके साथ मिल गया, आप कोचिंग जाती होंगी तो वहाँ नेचुरली पटना सेंटर चाणक्य में आपको और बहुत सारे दोस्त बने होंगे, फ्रेंड्स बने होंगे, तो क्या आपस में आप लोग को एक ग्रुप भी बनाया था आपने, या अपनी स्टडी आप सोलो स्टडी कर रही थी? सर जब मैंने पटना चाणक्य अकेडमी ज्वाइन करा था तो जिस फाउंडेशन कोर्स को मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे प्री कम मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ हो गई थी। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स, पूजा थी, नेहा, सिप्रा, ज्योति, ज्योति ठाकुर, ज्योति सिंह, अमर ज्योति, सुहानी, एवरीवन, दे यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। They used to be like, Shriti, आज मेंस का डेट शीट आ गया, अब तुमको अच्छे से पढ़ना है। They were very supportive. सबने काफी इंकरेज करा, सबने काफी हेल्प करा। And अभी भी when I contact them, they are like कि और एक चीज आई लाइक टू मेंशन कि मैंने अपने आप को बहुत एक डिसिप्लिन वे में मॉड्यूल करा। जैसे मेरे पास फोन था तो फोन का वॉलपेपर मैंने अपना सिलेबस बना लिया था, ताकि मेरे आंखों के सामने वो हमेशा रहता था कि क्या कंप्लीट हुआ है और क्या कंप्लीट नहीं हुआ। ये छोटी छोटी चीजों करने से आपको ये हमेशा लगेगा कि आपके पास एक टारगेट है और वो आपको अचीव करना है। चाहे कुछ भी हो जाए दिन में, आप मे बी आप एक सप्ते के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन आपके दिमाग में वो फोन देख के जरूर याद आएगा कि आपको वो चीज अचीव करना है। ऐसे मेरे फ्रेंड्स के काफी इम्पोर्टेंट रोल थे। इस बहुत अच्छा कि आपने सारे दोस्तों के लिए नेचुरली आपके बैच में और भी बहुत सर्कल, दूसरे अलग अलग सर्कल के लोग हैं, उनका अपना सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन है कि आपके सर्कल के लोग ने इस बात को ध्यान रखते हुए कि भाई आपका सिलेक्शन आपके ग्रुप में हुआ और उसमें फिर सब ने आपके साथ साथ दिया भी। इसलिए है कि इसका मतलब है उनके अंदर भी वही पॉजिटिविटी, देश कबीर की बात अलग है, बट उनके भी अपने रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं।
अब एक है कि जो लोग इसको कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपने फिजिक्स में की, सब्जेक्ट आपने सोशियोलॉजी ले लिया ऑप्शनल, राइट? तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स छोड़कर के सोशियोलॉजी क्यों लिया, और आपके अनुभव के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुनाव में क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके सर, मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिजिक्स के जब मैंने देखा फिजिक्स का सिलेबस, मैंने सिलेबस फिजिक्स का भी देखा और साथ में और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस देखा, तो फिजिक्स के सिलेबस में मैंने देखा कि मुझे कुछ थ्योरीज है जिसमें मुझे डाउट है, और मेरे पास उतना टाइम नहीं था सर जब मैं आई चाणक्य 2019 में और फरवरी मार्च में, और एग्जाम जुलाई में होने वाला था क्योंकि इलेक्शन भी था 2019 में, तो थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले भी हो सकता था। तो सर मैंने काफी इधर उधर ढूंढा कि मुझे फिजिक्स के कौन से टीचर्स अब मिल सकते हैं, तो काफी ढूंढने के बाद आई केम टू अ कंक्लूजन कि गोरखपुर अनदर सब्जेक्ट, तो मैंने सर सोशियोलॉजी देखा, सोशियोलॉजी देखा, उसका सिलेबस देखा, दैट वॉज वेरी रिलेटेड टू द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, और हमें काम भी उसी के लिए करना है, हमारे सोसाइटी के लिए, बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमें काम भी अपने सोसाइटी के लिए करना है, तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू चूज अ सब्जेक्ट जो हमें काफी इंटरडिपेंडेंट बनाएंगे हमारे काम से, हमारे समाज के, हमारे लोगों से। और उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, मैंने यूट्यूब पे काफी यूपीएससी टॉपर्स के लिस्ट इंटरव्यूज सुने, उनके बुक्स के रेफरेंसेस देखे, मैंने बुक्स ऑर्डर करा, मैंने पढ़ा ऑप्शन सब्जेक्ट्स। मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि आपको बस ये देखना है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं सब्जेक्ट, पहला इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, दूसरा सिलेबस, सिलेबस आप उस टाइम ड्यूरेशन को कम्प्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तीसरा मटेरियल, वो मटेरियल मिल रहा है आपके पास, टीचर्स है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टीचर्स हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, जैसे मेरे पास मटेरियल्स थे बट मेरे पास टीचर्स, तो आई हेल्प, आई आस्क हेल्प फ्रॉम द टीचर्स। और दूसरा इंटरलिंकिंग विद अदर सब्जेक्ट, जैसे जीएस के पेपर्स भी होते हैं, तो सोशियोलॉजी अगर मैंने लिया तो मुझे काफी हेल्प मिल गया दूसरे सब्जेक्ट से भी। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात करी, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी थॉट्स। ये चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सर्विस का नेचर भी है उसके हिसाब से आपको एक लैटरल थिंकिंग वर्टिकल के साथ से डेवलप करना बहुत जरूरी है, कि इंटरडिसिप्लिनरी, कि आप पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी बट यू कैन कोरिलेट विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, वेरी गुड। ये सारे स्टूडेंट को भी ध्यान रखना चाहिए जिसको अप्रिशिएट किया। सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद एक मल्टी डायमेंशनल व्यू और अप्रोच दिमाग में आने का, मतलब व्यू डेवलप होने लग जाता है कि पहले समाज में कैसे होता था, अभी कैसा हो रहा है, उसको आगे फ्यूचर में कैसा बेटर कर सकते हैं, और दिस इज व्हाट वी विल वर्क फॉर इन फ्यूचर, चाहे आई एम इन पीसीएस और आई विल गो फॉर इन यूपीएससी, तो यही काम करना है ना, कि फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है, हमारी सोसाइटी को कैसे बेटर बनाना है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को प्रोवाइड करता है वो सब कुछ। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि आप अपने जॉब को और अपने सब्जेक्ट को कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। वेरी गुड। ये बताइए कि स्वीटी, जो अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट और एग्जाम वाइज बात करते हैं, एक तो आपने कहा कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फाउंडेशन कोर्स वहां कर रही थी, लेकिन एक है हर स्टेज का अपने एग्जाम का अपना एक महत्व है, तो प्री में जो है प्री क्वालिफाई करना बीपीएससी में, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे टू मेक श्योर कि आपका प्री हो जाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ओके सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि प्री और मेंस दोनों के साथ प्रिपरेशन करने की जरूरत है, इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है, प्री और मेंस साथ साथ आपको लेके चलना है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब आपका प्री नजदीक हो तो अराउंड 2-3 मंथ्स पहले आप टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, फैक्ट बेस्ड,
और ऑब्जेक्टिव बेस्ड फैक्ट बेस्ड और जितने भी आसपास के न्यूज़पेपर है मॉडल आंसर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा करें और उसको सॉल्व करें बट ओनली 2 to 3 months बिफोर. उसके पहले आपको पूरा बुक पे डिपेंडेंट होना है, पूरा मेंस ऑब्जेक्टिव के पर्पस से पढ़ना है, सारा कुछ मेंस पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए आपका प्रिपरेशन, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स. अगर आपको फैक्ट्स याद है, और प्रीलिम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आंसर्स हमारे सामने ही होते हैं, बस उसको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को बार बार सॉल्व कर रहे हैं एक डिसिप्लिन वे में, 2 घंटे बैठ करके टाइमर लगा करके, और अगर आप बहुत सारे सेट लगा रहे हैं और बार बार उसको एनालाइज कर रहे हैं तो काफी हेल्प मिलेगा. बट आई विल ओनली सजेस्ट आप दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. जैसे हिस्ट्री है हमारा सब्जेक्ट, हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं, तो आप ये देख लीजिए मॉडर्न के किस सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है. स्ट्रगल 1857 से आ रहा है, उसके बाद गांधी जी जब वो इंडिया आया उस समय से आ रहा है. ये सारे चीज को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, इस पे ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है, इसे बार बार पढ़ने की जरूरत है. क्वालिटी के इतने क्वेश्चंस नहीं है तो फिर क्वालिटी को आप क्या कीजिए, क्वालिटी का ऊपर जितने भी रेफरेंस पॉइंट है वो सारा पढ़ने की जरूरत है. आर्टिकल्स कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस देने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस अब वैसे आ रहे हैं ना कि विच इज बीइंग लिंक्ड विद द अदर क्वेश्चन. ये नहीं कि आपका बेसिक पॉइंट दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, उसके जो एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, तो उसके डीप में जाने की जरूरत. अल्टीमेटली जरूरत भी वही है, जब सर्विस में जाते हैं तो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं स्किल और विजडम चाहिए कि उस नॉलेज को कैसे यूज करोगे. इसलिए एग्जामिनेशन के नेचर भी आप जो कह रही हैं आप बाकी ऑडियंस के लिए भी क्लियर कर दें कि चूंकि अल्टीमेटली आपको अप्लाई करना है फील्ड में जाकर. यस सर, अभी जितना भी हमने पढ़ाई करा है, मैंने पढ़ाई करा है, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, एंट्रेंस ने किया, क्लियर इंटरव्यू इवन केम अप विद फ्लाइंग कलर्स. अब ये सारा चीज हमें अप्लाई करना है अपने जॉब में. हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उसे हमें ये एक्सपीरियंस करना है. अभी ट्रेनिंग में जाने के बाद आई विल स्टडी फॉर ITC, CRTC, तो ये सारा चीज हमें आगे जाके अपने जॉब में ये सारा चीज यूटिलाइज करना पड़ेगा, सब कुछ यूज करना पड़ेगा. तो वैसे ही पढ़ना है ताकि हम आगे अपने फ्यूचर में उसको अच्छे से एप्लीकेबल कर सकें. एक बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इतनी सारी चीजें याद कैसे रखें, तो उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला अपनाया कि आप मैक्सिमम चीजें याद रख सकती थी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते थे? सर, मैंने पहले भी बताया था कि आई डोंट रीड, आई राइट एंड देन आई रीड, एंड आई राइट इट मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार हो सके. मुझे याद है कि आई यूज टू राइट इट मल्टीपल टाइम्स, जितने भी होते थे 7 बार 8 बार 9 बार जितना भी होगा, जितनी बार में मुझे याद होगा मैं उतनी बार लिखूंगी, बट मैं लिखूंगी जरूर. आपके इस बात से थोड़ा मैं एलाबोरेट कर देता हूँ. मैं भी स्टूडेंट को यही गाइड करता रहता हूँ कि इंक्लूडिंग जब आप जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इंक्लूडिंग जो सिलेबस है उसको भी अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं बड़ा साइंटिफिक एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है. एक पुरानी कहावत है कि राइटिंग मेक्स वन परफेक्ट, और जो राइटिंग है अपनी हैंडराइटिंग में जब हम लिखते हैं तो हर व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के हिसाब से एक आर्टिस्टिक ये कैलीग्राफी होती है कि कैसे आप इसको लिखते हैं, और वो दिमाग में प्रिंट होता जाता है. तो आप कह रहे थे कि यू आर राइटिंग एंड रीडिंग, इसका मतलब है कि हर चीज को आप साथ के साथ एक तरह से लिख करके समझ करके छोटे छोटे अपने नोट्स बना करके आपने इस चीज को मेमोराइज किया, और डेफिनेटली आपने इसको रिवीजन का रास्ता बच, चूंकि आपने खुद ही लिखा हुआ तो रिवीजन भी आपका आसान हो जाता होगा. एंड रिवीजन इज मस्ट फॉर होल प्रिपरेशन, कि हफ्ते में एक दिन आपका रिवीजन का भी यदि मिल जाए तो आप उस चीज को नहीं बोलेंगे. एंड प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, बार बार आप प्रैक्टिस करते रह जाए. हाँ बोलिए, आप पूरा कंप्लीट करिए. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है. लोग एक बार बच्चे एक बार बुक पढ़ते हैं उसके बाद जैसे कि बुक कंप्लीट हो गया, बट उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना भी जरूरी है. और मल्टीपल टाइम्स अगर हो सके तो उसमें जितने भी अच्छे पॉइंट्स है और काम के पॉइंट्स है और लिखने वाले पॉइंट्स है उसको लिखना भी बहुत जरूरी है. मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है और सोशियोलॉजी मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ा, इसके पहले मेरा सोशियोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं था. उसको पढ़ा, उसको समझा, और अभी मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उसको, लिख लिख के पढ़ा. इतने सारे थिंकर्स है उसमें, कार्ल मार्क्स, इमाइल डरकायन, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, एनएम श्रीनिवासन, एवरीवन, सबको मैंने डीपली पढ़ा. डीपली मैंने उनके बारे में यूट्यूब पे देखा उनका वीडियो लेक्चर. जब आप किसी थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं उनका प्रीवियस ईयर, वो क्या अपने लाइफ में थे, उन्होंने कैसे इस फील्ड में आया, तो उस सब चीज को लिखना और उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी कॉपी को ऐसा बनाना है यू नो एवरीथिंग, एंड आपको कंपेयर करना है
जो आपको मार्क्स दे रहे हैं कि आपका वो कॉपी पढ़े और आपको वो मार्क्स दे. सो मेक योर कॉपी इन दैट वे कि आपके उस कॉपी में सब कुछ हो. उस 300 मार्क्स में मेक श्योर दैट जो भी आपके पेपर चेक कर रहे हो आपको वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स दे. वेरी गुड, बहुत अच्छा. इसमें स्वीटी अब प्रीलिम्स की जो हमने चर्चा करी इसके बाद थोड़ा एक कुछ एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत सारे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. थोड़ी सी एग्जामिनेशन स्किल की भी चर्चा कर दीजिए कि एग्जामिनेशन में सब कुछ पढ़ने के बाद वहां जाकर के केवल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, लोग रात में सोते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वहां जाकर के मिस कर जाते हैं. तो एग्जामिनेशन स्किल के बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए कि आपने क्या मेंटेन किया. ओके सर, मैंने पहले भी बताया कि मुझे लेट तक पढ़ना उतना पसंद नहीं है और बीटीएसए का ये भी है कि एग्जाम 12 बजे से 2 बजे तक होता है, आफ्टरनून सेशन है. तो एग्जामिनेशन से पहले मेक योरसेल्फ वेरी काम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेक योरसेल्फ वेरी काम. और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बोला जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एंड एज यू नो दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यू नीड टू प्रिपेयर इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग. अब उस चीज को अपने आप को एक एग्जाम के तौर पे फेस करने की जरूरत है, प्रेजेंट करने की जरूरत है. हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट वे, तो सबसे पहले अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखिए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है. कीप योरसेल्फ काम, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, टेक योर ब्लेसिंग. बोला जाता है हार्डवर्क, हार्डवर्क के साथ साथ एक ब्लेसिंग की भी जरूरत है, देन ओनली यू कैन कम आउट विद गुड कलर्स एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स. दे विल डेफिनेटली गिव यू गुड सजेशंस कि यू डोंट हैव टू बी सो मच excited, nervous, anything. क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आप नर्वसनेस हो, नर्वसनेस अंदर होता है, साथ में ये होता है कि पता नहीं क्लियर होगा, जो मैंने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा. और एग्जाम में जाने के बाद पेपर देखो एंड बी कंफर्टेबल, टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन गो एंड सॉल्व द पेपर. और पेपर सॉल्व करने के बाद एक चीज बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है. 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें मैथ्स भी 10 questions के आते हैं, और मैथ्स अगर आपको मैथ्स आपका इंटरेस्ट है मैथ्स तो सॉल्व बिफोर, अगर नहीं तो अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, नहीं बन रहे तो दैट विल डीमोरलाइज यू. तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका कौन सा सेक्शन सही है, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसको बनाइए, उसमें अच्छा स्कोर कीजिए एंड देन गो बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन. इससे आपको एक पॉजिटिव कंटेंस भी मिलेगा और पॉजिटिविटी भी आएगा कि मैंने एटलीस्ट 50% से ज्यादा 60-70% पेपर अपना अच्छा किया है. मेन बात यह है कि हर इसलिए मल्टीपल सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि हर कैंडिडेट को किसी में स्ट्रेंथ होगा, किसी में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा. अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से जो मोस्ट आपका कॉम्पिटेंस का एरिया है, मजबूत एरिया है, उसके क्वेश्चन को आप जल्दी से और सही सही कर लें. उसके बाद आपको जो वीक एरिया यदि है उसमें से जो क्वेश्चन टेकअप कर सकते हैं करें. कुल मिलाकर आपको देखना है कि कितने आंसर आप करेक्ट कर सकते हैं ताकि एक नेगेटिव मार्किंग के प्रॉब्लम से भी आप बचें. उसमें उलझने से अच्छा की आप वो क्वेश्चन बनाए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो आपको बन रहा है. हम ऑडियंस को बता दें कि स्वीटी आपने जो कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए, इसका मतलब है कि कुछ दिए ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जाते हैं उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है और हो सकता है ना बन पाए, लेकिन स्टूडेंट कई बार जिद में आता है कि नहीं ये वाला भी कर लेते हैं. आपको ओवरऑल देखना है कि जितने क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए पहले जो सही है उनको करिए, फिर आप एड ऑन करिए. तो नेचुरली आपके पास इन्फॉर्मेशन स्टडी आपने ठीक की है, जैसे आपने किया लिख करके, मेमोराइज करके, हर चीज को समझ करके, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, तो फिर आंसर इसमें यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी में आपको दिक्कत नहीं आएगी. अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं मेंस का, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी तो आपने बता ही दिया है, बट मेंस को कैसे डिफरेंशिएट कर करके मेंस में अपनी राइटिंग स्किल का सारा गेम है कि आप अपनी बात को रख सकें, तो उसके लिए आप अपना अनुभव बताइए कैसे किया. ओके सर, मेंस के लिए सबसे पहले तो 3 पेपर थे, GS1, GS2 एंड ऑप्शनल. GS1, GS2 के नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो मैंने क्लास 10 तक भी पढ़े, ऑप्शनल वाज द मेन थिंग फॉर मी, जो काफी चैलेंजिंग था, काफी न्यू था मेरे लिए. तो मैंने सोचा कि और सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते ऑप्शनल चाहिए, तो मेक श्योर कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है. एंड ऑप्शनल काफी क्लियर भी होना चाहिए कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं, ऑप्शनल के आंसर GS के आंसर से काफी डिफरेंट भी होते हैं.
नॉर्मली लिखते थे लेकिन वेस्टर्न में वो मार्क्स मिलते भी नहीं, ऑप्शनल के आंसर और जीएस के आंसर में काफी डिफरेंस भी होना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किया ऑप्शनल पे, और GS1 GS2 वो तो चाणक्य में मेरा प्रिपरेशन चल ही रहा था, क्लास नॉर्मली हो ही रहे थे बहुत बार, वहां पे जाके आई यूज्ड टू शो माय आंसर्स आफ्टर द क्लासेस। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाला, हिस्ट्री पेपर वन का फर्स्ट पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने सारा भी है वो मैंने निकाला, 62nd 63rd और उसके पहले जितने भी एग्जाम हुआ वो मैंने शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया। लास्ट 3 ईयर्स का पेपर मैंने शॉर्टलिस्ट किया, कौन कौन से एरियाज में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आ रहे हैं, रीसेंट ट्रेंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैंने देखा, हिस्ट्री का मैंने देखा। फिर मैंने मार्क करा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, 1857 स्ट्रगल है, और सब चीज में एक चीज कॉमन है कि विद रेस्पेक्ट टू बिहार, एज इट इज द कमीशन एग्जाम ऑफ बिहार, तो विद रेस्पेक्ट टू बिहार आपको ये चीज फोकस करना, बिहार के बारे में आपको टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट सब कुछ याद होना चाहिए और सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये चीज था, इसलिए मैंने अपने टीचर्स को भी ये बोला कि सर आप सारा कुछ तो सही है लेकिन बिहार से पर्सपेक्टिव से ज्यादा इसको एलैबोरेट करके पढ़ाने से ज्यादा आइडिया डेवलप होगा हमारे अंदर और हम उसे अच्छे से बता पाएंगे अपने पेपर में। सेकेंड मैंने पॉलिटिक किया, पॉलिटिक में एम लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, वो बुक ऐसी है कि उसको पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी में किसी और बुक की जरूरत नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और मैंने पॉलिटी का कोई नोट्स भी नहीं बनाया क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत का नोट्स बनेगा तो अल्टीमेटली एक और लक्ष्मीकांत बन जाता, इट्स बेटर इट्स वर्थलेस टू मेक द नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत। मैंने उसी में मल्टीपल टाइम्स अंडरलाइन किया, उसको लिखा, लिख लिख के मैंने याद करा आर्टिकल्स जो जो इम्पोर्टेंट है, शॉर्टलिस्ट करके क्वेश्चन जितने भी हो। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है कि आप शॉर्टलिस्ट करें कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स से पूछा जा रहा है, सो दैट यू कैन एनालाइज। आप ये सजेस्ट करना चाह रही हैं कि सबसे पहले आप पिछले साल के क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिए, उससे आपको एक क्लियरिटी आएगी कि कहाँ फोकस करना है। फिर बहुत सारे किताबें इकट्ठे ना कर लें, अनलिमिटेड अप्रोच ना कर लें, बेटर है कि सिलेक्टेड बुक हैं क्लासरूम में जो आपको मिल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आप टेकअप करिए, एंड अगेन कमिंग बैक क्या उसको लिखिए, लिख कर करके आपको उसको तैयार करिए, एंड राइटिंग स्किल जितना ज्यादा आप लिखोगे, और मेक श्योर कि आपके पास एक एवेलुएटर भी हो कि आप जो लिख रहे हैं कि वो आप दिखाएंगे किसी को, नहीं तो फिर लिखने का क्या फायदा है, सबक की उसमें 50% से ज्यादा गलती है। इसका बेनिफिट तो आपको इसका बेनिफिट आपको इंस्टीट्यूट में मिल ही रहा था, सब लोग आपको चेक करके हेल्प कर रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, मैंने बताया कि मुझे क्लासेस में तो नॉर्मल क्लासेस चल रहे थे, तो क्लासेस के बाद आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स एंड आई यूज्ड टू शो माय आंसर्स, प्लीज चेक माय आंसर, रोज 1 to 2 आंसर आई यूज्ड टू राइट। इवन क्लासेस में सर क्वेश्चंस देते थे तो मे भी बहुत लोग लिखते थे, मे भी बहुत लोग नहीं भी लिखते थे, बट जितना भी हो सकता था 1 पेज 1 पेज 2 पेज आई यूज्ड टू राइट एंड आई यूज्ड टू शो इट। उसके बाद दे यूज्ड टू टेल मी कि बॉडी ऐसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ये कमी है, ये लैक कर रहा है, इसको एड ऑन करना है, इसको हटाना है, इसको शॉर्ट करना है, इसको लॉन्ग करना है, तो ये सब चीज बहुत क्योंकि मेंस का ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि आपको बस अपने पेपर को एक अच्छा पेपर बनाना है, उसमें सब कुछ होना चाहिए और दैट आल्सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को समझ के। तो ये तभी होगा जब आप बार बार लिखिएगा, लिखना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैंने 64वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 25वां रैंक प्राप्त किया है और मुझे SDM पद के लिए चयनित किया गया है। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर से हुई है, उसके बाद मैंने 10th, 11th और 12th की पढ़ाई माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया है। चाणक्य IAS एकेडमी में मैं प्रिपरेशन के दौरान जुड़ी थी और मुझे यहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिला और इंटरव्यू अच्छा होने का एक नतीजा है कि मुझे अच्छा रैंक भी मिला। यहाँ के स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट के लिए मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम और अपने गोल पे डिटरमिन रहें, वर्क हार्ड करें, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करें और जो टीचर्स का आपके मेंटर का जो एक गाइडेंस है उसका सही उपयोग करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इंटरव्यू की, जो सिविल सर्विस BPSC का इंटरव्यू है, तो आपके इंटरव्यू का आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन वहाँ होता है और आपने तैयारी कैसे की, किस प्रकार से आपने तैयारी की?
इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, तीन तीन मॉक इंटरव्यू मैंने दिया चाणक्य आईएएस अकादमी पटना ब्रांच में। वहां पर से मुझे बताया गया कि आपको जो आता है वही बोलना है, यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी नॉर्मल, बी इन योर पर्सनालिटी, वहां पे फेकनेस की जरूरत नहीं है। इफ यू आर, अगर आपका जो सर्विस प्रायोरिटी है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो जितने भी एरिया से, और बिहार रेस्पेक्टेड टू बिहार, बिहार के बारे में उसका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी रिसेंट, और कोरोना का टाइम था, कोरोना को देखती पता, ये सारा चीज मुझे वहां पर के जितने भी इंटरव्यूअर्स थे वहां से पता चला। और जब व्हेन आई वेंट इनसाइड द इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू 4 जनवरी को था, व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड द इंटरव्यू रूम, तो मुझे दीप्ति मैम का बोर्ड मिला था, और वहां पे जाने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि व्हाटएवर आई रिमेम्बर आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं था, और मैंने जो भी वहां बोला वो एट द मोमेंट मैंने बोला, एट द मोमेंट, उतना प्रिपेरेशन करने का, ये बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, वो सब का कोई जरूरत नहीं, यू विल बी नॉर्मल एट दैट मोमेंट, एकदम आपके मुंह से वही निकलेगा जो कि आप रियल में है, आपकी पर्सनालिटी है। आप जब इंटरव्यू हॉल में पहुंचे तो एक एक होती एक साइकोलॉजी की, ठीक इंटरव्यू का डेट आ गया, उसके बाद आपके माइंड में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, तो साइकोलॉजी और एक नाइट पहले आपकी साइकोलॉजी क्या थी पहले वो बताइए। ओके सर, मेरी इंटरव्यू 4 जनवरी 2021 को थी, सेकंड स्टेप में, तो एक दिन पहले ये लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, बस ये दिमाग में रहता है कहीं कुछ छूट ना जाए, इतने दूर पहुंचने के बाद, इतने साल वेट करने के बाद, आई डोंट वांट टू बी आउट ऑफ द इंटरव्यू, सबके दिमाग में ये रहता है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये मन में चलता रहता है। तो एक दिन पहले काफी नर्वसनेस चलती है, काफी ये बुक्स, वो बुक्स, ये नोट्स, ये करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, सारा कुछ, गोइंग थ्रू एवरीथिंग। इंटरव्यू के पहले वाले दिन मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था, आई वॉज नॉर्मल एट होम, जितना हो सका आई यूज टू कीप माई सेल्फ काम, मैंने अपने आप को काम रखा, मैंने अपने आप को उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा जो मुझे करना पसंद है, जैसे मुझे बुक्स पढ़ना काफी पसंद है, फिक्शन मुझे पढ़ना काफी पसंद है, मैंने अपने अप्रोच में इन्वॉल्व करा, और दिमाग में चलता रहता है 100%, ये सही है कि दिमाग में चलता रहेगा कि आपका इंटरव्यू है, बट मेक योर सेल्फ कि आप अपने अप्रोच में इतना ना उलझा लीजिए कि यू बिकेम नर्वस, आप पूरे के पूरे नर्वस होते हैं, बस ये हमेशा पॉजिटिव माइंड में रखिए कि इंटरव्यू है, बस अच्छा जाएगा, सब कुछ अच्छा जाएगा। मुझे ये बताया गया था अकेडमी, पर्सनालिटी टेस्ट, वो आपके नॉलेज को नहीं, आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा, तो अपना पर्सनालिटी जस्ट वही दिखाना है विच हु यू आर, बस ये प्रेजेंट करना है। तो ये मेरे माइंड में था कि अपने पर्सनालिटी को बस दिखाना है। इंटरव्यू का दिन आया, इंटरव्यू के बोर्ड के अंदर आई वेंट इनसाइड द बोर्ड, एंड मैं रूम में जैसे गई, मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था, आई सैट इन फ्रंट ऑफ हर, दीप्ति बोर्ड में दो फीमेल टीचर्स थी, दो मेल टीचर्स थे, और वहां जाने के बाद जैसे हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, नॉर्मल कन्वर्सेशन, आपका ऑप्शनल क्या था, अपने अभी ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट की थी, उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि थ्री बनना चाहती है तो आप फीमेल्स के लिए क्या क्या करेंगी थ्री एरियाज में, हालांकि मैंने ये सारा पहले ही भी प्रिपेयर करा था, मुझे अकेडमी वालों ने भी बोला था प्रिपेयर करने, बट ट्रस्ट मी मैंने जो भी प्रिपेयर किया आई फॉरगॉट इट, और मैंने वहां बोला, मैंने सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन, मेरा इंटरव्यू 20 to 25 minutes का हुआ था, मैंने सारा आंसर दिया, बट मैंने वही आंसर दिया जो मुझे उस समय याद आया, मैंने कुछ भी पहले का याद किया हुआ नहीं दिया। नहीं, ये आपके लिए सबसे अच्छा साबित हुआ, क्योंकि आपने रट के आंसर नहीं किया, जो फ्लो में था हुआ। यस सर, वहां पे जो दिमाग में आएगा आपको वही आंसर देना, अगर आपको नहीं आता है बी पोलाइट एंड से आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट डोंट बी जजमेंटल एट दैट पॉइंट, कि आपको अपने आप को सही प्रूफ करना ही है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड देन एक्सेप्ट इट दैट यू डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ, और अपने आप को बस फुली प्रेजेंट करना है कि क्या, हु आर यू एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डू यू होल्ड। जैसा कि आपने बताया, स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है सिविल सर्विसेज का, चाहे बीपीएससी करे या यूपीएससी करे, तो बेसिकली आपके अंदर एक इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्टी, एक नेचुरलनेस देखना चाहते हैं, विद सम बेसिक एटिकेट जो आपको वहां फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत मास्किंग करेंगे अपना, या कह लीजिए कि
झूठ बोलने की प्रवृत्ति रखेंगे या ब्लफ करने के रहेंगे तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, दे कैन गेट होल्ड ऑफ यू. एंड आपको जब नेचुरल रहते हैं तो नेचुरली स्पॉन्टेनिटी में आपके आंसर भी अच्छे फ्रेम्ड होंगे. एंड देयर इज बेसिकली चेकिंग नॉट नॉलेज बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स की आप जो करने जा रहे हो कि नॉलेज का टेस्ट तो मेंस के लेवल पर आपका हो चुका है. दैट्स वेरी वेरी गुड. तो स्वीटी आपकी जो जर्नी है मेरे ख्याल से सारी इंटरेस्टिंग रहेगी लोगों के लिए. एक मैं पूछना चाहूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड. आप देखिए आपने लगातार आपका मोटिवेशन बना रहा, अब आप आगे यूपीएससी भी देने की प्लान में है, आगे सिविल सर्विस एग्जाम भी आप देने, इसी बार देंगे अब एग्जाम उसके लिए मुझे खबर मिल चुकी है कि आपको ऑलरेडी सपोर्ट शुरू हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन का. लोग डॉक्टर कृष्णा सिंह जो है ये बता रहे थे कि उनको हमने आगे की तैयारी के लिए सपोर्ट शुरू कर दिया है कि आगे बढ़िया से एग्जाम दें नेक्स्ट ईयर का. तो अभी तो आप ट्रेनिंग में जाएंगे, डीएसपी के ट्रेनिंग में, और फिर जॉब मिल गया है तो नेचुरली इंसान सोचता है चलो हो गया क्या करना है फिर, लेकिन आप मोटिवेटेड फिर भी रहेंगे. तो हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, ये एक इसका जवाब दीजिए, ये बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए. तो मैंने पहले भी बताया था मोटिवेशन अंदर से आता है, अपने आसपास कुछ ये छोटी छोटी चीज करने से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा. जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने फोन का वॉलपेपर अपना सिलेबस बनाया था, इससे याद रहता है कि आपको करना क्या है. अभी मुझे यूपीएससी देना है तो आई विल बी लाइक कि मुझे ये सब चीज होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मुझे हमेशा ये दिमाग में डालता रहे कि आपका ये जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होता, यू हैव टू गो अहेड, और आपका जो जर्नी है वो आपको अचीव करना है और अच्छे अच्छे रैंक के साथ अचीव करना है. तो इसके साथ मुझे ये भी है कि मैंने चाणक्य से भी बात की है, चाणक्य ने बात की है, वहाँ पे टीचर्स है, दे हैव प्रोवाइडेड द करंट अफेयर्स एवरीथिंग. तो आई विल मेक श्योर कि अपना रूटीन ऐसे बनाना है कि पर डे 3 to 4 hours मुझे निकालना है आफ्टर ट्रेनिंग कि मैं अपने आप को दे सकूँ यूपीएससी के लिए. और मेरे घर वाले वो आर वेरी मच सपोर्टिव कोऑर्डिनेटिव एंड वो काफी कोऑपरेट करते हैं, दे आर द रियल वन, they are the real gems of my victory and they will help me in overcoming the next hurdle even that is UPSC. वो काफी motivate करेंगे and they वो काफी help भी करेंगे कि आगे UPSC में अच्छे marks से हम pass हो, और UPSC मेरा next target है उसको बार बार realize भी करवाते हैं अपने आस पास अपने friends को. वैसे friends से हमेशा contact बना के रखना है जो आपको हमेशा ये बताए कि you don't have to stop here, you have to go ahead. तो वैसे ही आप फ्रेंड से कांटेक्ट बनाए जो आपको हमेशा ये बताए कि आपका आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है. तो मोटिवेशन अपने आसपास बनाने से काफी अच्छा बनेगा, अपनी सिलेबस को रखिए अपने आसपास, जहाँ पे आपका टेबल है चेयर है वहाँ पे सिलेबस रखिए, अपना यूपीएससी का रूटीन, यू नीड टू हैव 2-3 questions, 2-3 एग्जाम्स कब होने वाला है, मेंस कब होने वाला है, इंटरव्यू कब होने वाला है, उसके हिसाब से आपको रूटीन बनाना है. तो आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने से यू विल बी मोटिवेटेड, हेल्दी मोटिवेशन हमेशा अंदर से रहेगा, बाकी मेहनत आपको करना है. ये सारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मेहनत आपको खुद से करना है, अंदर से वो मेहनत करना बहुत जरूरी है. एक्चुअली एक इनर ड्राइव चाहिए हर इंसान को, जो आपके बातों से जो सबको समझना चाहिए कि आपके सामने जब मकसद आ जाता है और आप उसको याद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना वातावरण बनाते हैं, उनके बीच में होते हैं, एक आपका फ्रेम ऑफ माइंड से चला जाता है. हर इंसान को एक मकसद होना चाहिए. आज देखिए आपसे मुझे कुछ दूरी बात करते हुए कि 2013 में जब पटना में चाणक्य अकेडमी को लॉन्च करने के लिए मैं गया था और वहाँ डॉक्टर कृष्णा सिंह जो सेंटर हेड है वो दिल्ली से उनको यहाँ से भेजा था कि चूंकि मैं खुद बिहार के बैकग्राउंड का हूँ शायद आपको मालूम होगा, तो मैं चाहता था कि जो गरिमा नीचे जा रही है बिहार की दोबारा रिजल्ट आना चाहिए, बिहार का हमेशा ऊपर रहा है और आज जब इतने अच्छे रिजल्ट बिहार से आ रहे हैं 150 के आसपास सिलेक्शन इस बार भी बीपीएससी में हुआ है, यूपीएससी में हर साल 50-60 का सिलेक्शन हमें बिहार से मिल जा रहा है. तो अब हम ये आज मेरे को लगता है कि वो ड्रीम और हम मोटिवेटेड हो रहे हैं आगे कुछ और काम करें. हर व्यक्ति को अपना एक ड्रीम होना चाहिए. बाय द वे मैंने डॉक्टर कृष्णा सिंह का नाम लिया, आप उनके संपर्क में, आपको मौका मिला उनके साथ रहने का वहाँ जो सेंटर हेड है? यस सर, यस सर. जब मैंने एडमिशन लिया तो सर कृष्णा जी थे जिनका इंडक्शन क्लास मैंने अटेंड करा था, एंड उनकी काफी अच्छी बात थी जो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने बताया कि यूपीएससी की जर्नी कॉपी और पेंशन नहीं होती. इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और वहाँ पे कुछ गिरा है, एक्सीडेंट हो गया, तो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एनालिटिक स्किल डेवलप करने की भी जरूरत है कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर तुम होते तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता. जैसे कि जनरल लोग रोड पे काफी लोग जाते हैं, काफी लोग ट्रैवल करते हैं, कोई पान वाला है, कोई शॉपकीपर है, कोई सब्जी ले रही है, तो उनके अलग रोल है. बट इफ यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
जैसे उन्होंने बताया कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन तुम क्या सोचोगी कि सबसे पहले यू हैव टू चेक द पल्स रेट काम कर रहा है एंड देन रश हिम फॉरवर्ड टू द हॉस्पिटल, उसके बाद बाकी का प्रोसेस होगा। तो ये सारा चीज तुमको पहले से डेवलप करना है, ये कॉपी और पेन से डेवलप नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से पहले से ही डेवलप। एक कॉमन सेंस डेवलप करने की बात आती है, बेसिकली ही हिमसेल्फ इज अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन। उनको दिल्ली में एक अच्छी पोजीशन में चाणक्य में थे, इनको स्पेशली मैंने कहा कि आप यहाँ सुख सुविधा छोड़ करके आप बिहार जाइए और पटना में आप रहने वाले वहाँ क्या, तो एक मकसद पूरा करिए। एंड ही इज डूइंग वेरी प्रेटी वेल, ग्रेट है। अभी आगे के लिए भी आपके लिए ये सलाह रहेगी कि आप वहाँ संपर्क में रहें और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगा। वी वॉन्ट टू सी ऑन द टॉप लिस्ट इन यूपीएससी ऑल्सो। ट्रेनिंग में जा रही है, आगे अभी यूपीएससी में तो आप आएंगे तो फिर ऑल इंडिया लेवल पे जाएंगे, पर इस बीच में बिहार के लिए आप क्या सोचती है, आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है? बीइंग डीएसपी मुझे दो तीन चीज वुमेन्स के लिए काफी प्रॉब्लम होता है कि मैंने देखा है कि जो भी वुमेन विक्टिमाइज वुमेन होती है, विक्टिमाइज वुमेन, दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, ना तो वो जाना चाहती है, ना तो वो रजिस्टर कंप्लेन अपना रजिस्टर करना चाहती है। तो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो कुछ भी हो, तो वो नहीं जाती है दो तीन रीजन की वजह से, कि उनका कंप्लेन रजिस्टर नहीं होगा, या फिर वहाँ के जितना भी माहौल है ज्यादातर मेल मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, इनके वजह से वो नहीं जाती। तो ये चीज मुझे काफी, इट मेक्स मी वेरी अनसेटिस्फाइड, बहुत अनहैप्पी मुझे इस चीज से होता है कि इतना होने के बाद भी हमारे वुमेन्स के लिए कितना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतना सारी योजना निकालते हैं, हमारे चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निकालते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर नॉट कमिंग आउट। तो आई विल मेक श्योर कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो और वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स आके डिस्कस कर सके, हो सके तो लोकल थाना में, लोकल जगह वो आए, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें, उनकी प्रॉब्लम्स पहले से पहले सुना जाए, उनको दूर करने की कोशिश करें, ये चीज पे आई विल ट्राई टू वर्क ऑन। उसके बाद जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, बहुत सारे अभी जगह जैसे मैं अभी पटना हूँ, मैंने देखा है कि वुमेन बहुत सारे लेडीज ट्रैफिक पुलिस को भी रखा जाता है, उनके साथ सैनिटेशन का बहुत दिक्कत है। जैसे मेल है तो उनके साथ कोई इशू नहीं है, बट फीमेल के साथ बहुत दिक्कत है। तो विल आई मेक श्योर कि उनको ऐसे जगह असाइन किया जा सके जहाँ पे उनको सैनिटेशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट टाइम जब अगले एग्जाम में जब आप देंगी, आपको MIS के एक टॉपर के रूप में भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, और इस बीच में आप बिहार में करियर है, बिहार पुलिस सर्विसेज के अंदर आप जा रही हैं, तो मेरी शुभकामना है आपके और आपके परिवार के लिए, ये नाम रोशन करें सबका, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आपने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.